अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको 5 तरह की कबाब की रेसिपी बताएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिया है हमने, इसे हम छुरी से इस तरह से काट लेंगे, इसे फ्लैटन कर लेंगे। इसके लिए हमने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है, रेड कैप्सिकम, कोथमीर, येलो कैप्सिकम, रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, नमक, वाइट पेपर, अंडा, चीज स्प्रेड, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लावर, गार्लिक पाउडर। पहले हम फिलिंग बना लेंगे। एक बाउल में हम पहले चीज स्प्रेड डाल लेंगे, इसमें हम चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, एक टीस्पून हमने कोथमीर, एक टीस्पून रेड कैप्सिकम, एक टीस्पून येलो कैप्सिकम डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। गार्लिक पाउडर डाल लेंगे, अब हम चिकन के ऊपर नमक और सफेद मिरी लगा लेंगे। चिकन को पलटा लेंगे और हमें दोनों तरफ नमक और वाइट पेपर लगाना है। हमने चीज स्प्रेड को पाइपिंग बैग में भर लिया था, अब हम इसे बीच में फिलिंग कर लेंगे। चिकन को कट करने का तरीका हमने एक दूसरे वीडियो में है, तंदूरी चिकन रोलाड में, आप उसमें देख सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे रोल कर देंगे, टाइटली रोल करना है। अब हम इसे फॉइल पेपर में कवर करके फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये इसका शेप अच्छी तरह से बना रहे। हमने पंको ब्रेड क्रम्स लिया है, कॉर्नफ्लावर है, अंडा है। अंडे को हम एक बड़ी सी प्लेट में डाल लेंगे, ताकि इजीली हम इसे डिप कर सके। 15 मिनट के बाद हम फॉइल पेपर निकाल लेंगे, ऐसे कॉर्नफ्लावर से हम कोट कर लेंगे। अंडे में हम डिप कर लेंगे इसे। अब हम डबल कोट करेंगे इसे, फिर से हम इसे कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप करने से आपका चीज स्प्रेड मेल्ट होके बाहर नहीं आएगा। फिर से हम इसे अंडे में डिप कर लेंगे, ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे हम अच्छी तरह से इसे प्रेस करके हम ब्रेड क्रम्स लगाना है, और इसे हम फॉइल पेपर में कवर करके 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है हमें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हम इसे डीप फ्राई कर देंगे, लो फ्लेम पे इसे पकाना है हमें। जब एक साइड का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फिर से हम एक तरफ कलर चेंज होने के बाद में इसे फ्लिप कर लिया है, तो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे तलते रहेंगे। अब हम इसे डायगोनली कट करते हैं, अरेबिक चिकन को डायगोनली ही कट करते हैं। सर्व करने के टाइम पे आप इस तरह से इसे कट कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो बोनलेस चिकन लेंगे, मोज़रेला चीज लिया है, इसे थिक स्ट्रिप्स में काट लिया है हमने, मैदा लेंगे,
एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, एक अंडा लेंगे, ब्रेड क्रम्स लिया है हमने, पंको ब्रेड क्रम्स लिए हैं, कोथमीर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, नमक, एक टेबलस्पून तंदूरी मसाला और 6 हरी मिर्च का पेस्ट है, एक छोटा कांदा लेंगे, ब्लेंडर में हम पहले बोनलेस चिकन डाल लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लें इसके अंदर, कांदा डाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा सॉफ्ट एंड जूसी बनेगा आपका कबाब, पूरे ड्राई स्पाइसेस डाल लेंगे, अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है, फाइन पेस्ट बना लेना है, लास्ट में हम कोथमीर डालेंगे, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे हम, इसे फ्लैट कर लेंगे, इसके अंदर हम चीज का स्लाइस रख लेंगे, इसे चारों तरफ से हमें कवर कर लेना है, इसे स्क्वायर शेप दे देना है और इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि इसका शेप बरकरार रहेगा, इससे सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। इसी तरह से हम पूरे कबाब्स बना लेंगे। अब हम इसे मैदे में कोट कर लेंगे। फिर से हम इसे अच्छी तरह से शेप दे देंगे, स्क्वायर शेप देना है आपको। अंडे में डिप कर लेंगे, इसमें से निकाल के आप ब्रेड क्रम्ब के साथ में कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। पूरे हम इसी तरह से कबाब बना लेंगे सिमिलर वे में। इसे डीप फ्राई करना है हमें लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना ये कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 2 मिनट के बाद इसे फ्लिप कर लेना है, हर 2 मिनट के बाद इसे फ्लिप करते रहेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। इसे फ्राई कर लेंगे हम, पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे, आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से, दो सौ ग्राम हमने बोनलेस मटन लिया है, 400 ग्राम बोनलेस चिकन है, नमक है, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून धनिया, एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ऑरेंज कलर मिक्स है इसमें, 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून गरम मसाला, नमक और 2 टी स्पून तंदूरी मसाला, ग्रीन चिली पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोथमीर, 2 हमने छोटे कांदे लिए हैं, रेड कैप्सिकम चॉप करके रखा है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है, ग्रीन कैप्सिकम को भी बिल्कुल बारीक चॉप करके रखना है। पहले हम मटन को पीस लेंगे, ब्लेंडर में हम मटन डाल लेंगे, एक छोटा कांदा डालना है, ड्राई मसाला डाल लेंगे, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट डालना है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम चिकन का मिक्सचर पीस लेंगे, बोनलेस चिकन डाल लेंगे ब्लेंडर में, 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट है, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ड्राई मसालास डाल लेंगे, चिली फ्लेक्स है, नमक है, गरम मसाला है, तंदूरी मसाला, एक छोटा कांदा डाल लेंगे, कोरिएंडर लीव्स हम एकदम लास्ट में डालेंगे। इस तरह से हमें फाइन पेस्ट बना लेना है मटन और चिकन का। अब हम इसकी सीख बना लेंगे मटन का मिक्सचर का। हम छोटा सा पोर्शन लेंगे, स्कीवर डाल लेंगे इसमें, सीख के जैसा हमें बना लेना है। इस तरह से बना लेंगे हम इसे। हम एक कप पानी डाल लेंगे नॉनस्टिक पैन में, इसे आप नॉनस्टिक पैन में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना तेल के देखिए कितने अच्छी सीख बन जाती है इसमें। एक तरफ होने के बाद हम दूसरे साइड को हम चेंज कर लेंगे, जब पानी सूख जाएगा तो आपका सीख तैयार है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे,
पूरी तरह से ठंडा होने के बाद पहले हम हथेली में तेल लगा लेंगे, चिकन का मिक्सचर लगा लेंगे। चिकन का मिक्सचर उतना बड़ा होना चाहिए आपका, उसे फ्लैट कर लेंगे पहले जितना आपको मटन का सीक है। अच्छी तरह से इसे फ्लैट कर लेंगे तेल लगाकर, मटन की सीक रख लेंगे बीच में और हम इसे अच्छी तरह से कवर कर लेना है चारों तरफ से। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे सीख बना के रख लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम एक प्लेट लेंगे, इसमें रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम को स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल फाइनली चॉप्ड होना चाहिए रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम। अब हम सीख लेंगे और इसके ऊपर रोल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें चिपक जाएगा। देखिए कितने अच्छी तरह से ये चिपक गया है इसके अंदर। अब हम पैन में एक गिलास पानी डालेंगे। इसमें हम सीख रख लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। जब एक साइड का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। जब तक एक साइड कुक ना हो जाए आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे, इसे हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता है। इस तरह से आपके सीख तैयार है। अब हम सीख को कलर देने के लिए 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे पैन में और इसे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा आपके सीख के ऊपर। आपको हम कट करके बताते हैं। देखिए कितनी अच्छी सीख बनी है, 2-in-1 सीख है। इसके लिए हमें चाहिए 3 बड़े हमने आलू लिए हैं, 3 उबले हुए अंडे हैं, कोथमीर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, 6 हरी मिर्च का पेस्ट है, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स। आलू को पहले हम मैश कर लेंगे। बिल्कुल ड्राई आलू होना चाहिए, आपको इसका ध्यान देना है। इसके अंदर हम लाल मिर्च और नमक डाल लेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट और गरम मसाला डाल लेंगे, हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे, कॉर्नफ्लावर हम 2 टेबलस्पून डालेंगे, और 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डालेंगे बाइंडिंग के लिए, कोथमीर डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले। पोटैटो मिक्सचर हमारा तैयार है। देखिए बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, स्टिकी रहेगा तो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। इसे हम फ्लैट कर लेंगे, बीच में अंडा रख लेंगे, उबला हुआ अंडा रखकर इसे हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। हम एक अंडे का शेप देना है इसे कवर करते हुए, इस तरह से अंडे का शेप दे देंगे हम इसे। कॉर्नफ्लावर में हम नमक डाल लेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे और पानी डाल के हमें एक थिन पेस्ट बना लेना है। अब हम कबाब को कॉर्नफ्लावर में हम रोल कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर के बैटर में हम अच्छी तरह से इसे डिप कर लेंगे। हम ब्रेड क्रम्स में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे आपका तलने के बाद में आपके कबाब बिल्कुल डार्क कलर नहीं आता है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आएगा। अब हम इसे हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद हम इसे डीप फ्राई कर देंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है
जब एक साइड क्रिस्प हो जाए तभी आप इसे पलटेंगे। देखिए एक तरफ बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है तभी हम पलटेंगे, फिर दूसरे तरफ क्रिस्प होने के बाद इसे फिर से पलट लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं दोनों तरफ से, अब हम इसे निकाल लेंगे। वेज नरगिस कबाब तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद ही आप काटेंगे तो अच्छा इसका शेप निकलेगा। इसे सेंटर से काटना शुरू करेंगे हम। ठंडा होने के बाद काटेंगे तो ये टूटेगा नहीं कबाब, इसके लिए आपको ठंडा होने के बाद कट करना शुरू करना है। देखिए कितने अच्छे हमारे वेज नरगिस कबाब तैयार हो गए हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो, हमने मशीन का खीमा लिया है, मटन का खीमा लेंगे, 2 कांदा लेंगे, इसे ग्रेट कर लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जीरा पाउडर है, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी। पहले हम खीमे में कांदे को डाल लेंगे। कांदे का हमने पानी निचोड़ लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट और जीरा धनिया गरम मसाला हल्दी नमक और रेड चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रख देना है। आधे घंटे के बाद आप इसे खीमे के मिक्सचर को नॉनस्टिक पैन में डाल लेंगे और स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। इसके ऊपर हम 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है हमें। 2-3 से 4 मिनट के बाद में हम इस तरह से छुरी से पीसेस काट लेंगे। पीसेस को अच्छी तरह से हम अलग कर लेंगे। आप चाहे तो इसे लंबे लॉन्ग पीसेस भी रख सकते हैं। हमने एक में से 2 टुकड़े कर लिए हैं, फ्लिप करने के लिए आसानी रहती है। इस तरह से हमने पीसेस कर लिए से इसे हम अच्छी तरह से फ्लिप कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसे पका लेना है जब तक तेल ना अलग हो जाए। 2 मिनट के बाद इसे फ्लिप कर लेंगे। हर 5 मिनट के बाद आप इसे फ्लिप करते रहेंगे जब तक दोनों साइड गोल्डन कलर ना आ जाए। हमारा पर्शियन कबाब बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे नींबू के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।